हेलो गाइस, ये हमारे माता सोनी यूट्यूबर। बकवास मत करो, तुम यूट्यूबर यूट्यूबर नहीं है, हम ब्लॉगर हैं। सॉरी, ऐसी बात नहीं। गाड़ी अपन ने पार्क वहां पे कर दी है। गाइस को नहीं बताया था ना भाई, गाइस को बताना जरूरी है। सॉरी गाइस, नीचे उतर के जाना पड़ता है यहाँ पे, और एक बंदा नहीं आया यहाँ पे, मतलब बहुत कम लोग जो है यहाँ पे आते, लोकलाइट्स भी बहुत कम आते। और ये कोई ऐसे रैंडम नदी, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता। अगर आप आओ तो इफ जो कि बहुत ही क्या हुआ? तो लेस बांध रहा। अच्छा, लेस बांध रहा आप, गिरे तो बिल्कुल नहीं ना अभी? नहीं नहीं, वही हम बता रहे थे गाइस को। इफ जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, फिर भी अगर कभी पॉसिबल होता है और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इन गोल गोल पत्थरों पर संभल कर पैर रखना। ये लड़के आप नीचे ले जा सकते हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ ना, मेरे को ब्लॉगिंग करके इतना अजीब लग रहा है ना, पहली बार है इसलिए अजीब लगा है इतना। भाई नहाने आए थे हम तो, अपनी बोरी लेके आए। ये है सर, ये ओरिजिनल शेर का पाँव है, इसको ओरिजिनल शेर का पैर है ना। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि मैं ही तो शेर हूँ। शेर सिंह, इच्छा है तो मैं इसमें नहाने की। भाई इतनी गंदी हो रही है नदी तो, मतलब मैं पहले भाई बहुत बार आया हूँ, मैं लॉकडाउन से पहले तक आया हूँ, मैं बिकॉज देन लॉकडाउन के बाद भी आया हूँ इवन। भाई मैं व्यू देख, भाई तू तो व्यू कितना अच्छा है। गाइस फ्रूटी भी लेके आए हम लोग। प्लीज नोटिस, एप्पी फिज बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है व्लॉग में, ना ही थम्स अप है, और ना ही ये फ्रूटी है, और ना ही वो कुरकुरे है, कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है। बहुत ही उम्दा स्वाद लगा हमें इस फ्रूटी का। यार इसमें एक जो ऑप्शन है ना, वीडियो चलते चलते जो है ना कैमरा मतलब चेंज नहीं कर सकते आगे से पीछे, फ्रंट वाला कैमरा जो है ना एकदम से ऑन नहीं कर सकते, किसी में नहीं होता। सो गाइस हम लोग ये खाते हैं पीते हैं फ्रूटी, मज़ा हम सब खत्म करते हैं, मज़ा तो है नहीं, क्योंकि मेरे दादाजी ऐसा कहा करते थे कि खाते टाइम बात नहीं करते, और मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ। सो हम ये खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। ये लोग जंगल जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, वहीं से वापस आ रहे हैं अभी। और इनका ये टॉमी, साढ़ा कुत्ता टॉमी, ये वही वाला कुत्ता है, घूम रहा है। सो गाइस यहाँ चलने का वक्त आ गया, और हमने ये हमारा सारा कचरा देना इधर पैक कर लिया, नेचर को बिल्कुल भी हम नहीं पहुँचा रहे बाकी लोगों की जगह। देखिए कि क्रिकेट प्लेट पड़ी हुई है, हम वैसे लोग बिल्कुल भी नहीं है। चलो चले, अबे नेचर को गंदा नहीं करना है ना भाई, अंदर रखो इसे, वो भी रखो कोरे का वो रैप देख लो भाई। हमने बिल्कुल भी नेचर को जो है ना हम नहीं पहुंचाया। सो गाइस ये हमारे ब्लॉग का एंड है, हम यहाँ से आए वहां तक गए, यहाँ वापस आए, बैठ के हमने कुरकुरे चिप्स सब निपटा दिया, और जो है अब हम वापस चलने का टाइम आ गया। केवल ब्लॉग को एंड करते करते कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी करूँगा तो मैं ये बताऊँगा कि मेरे पहले ब्लॉग का जो है शूट करते टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था। और पता नहीं मेरी क्यों आदत नहीं है, मेरा मतलब बैक कैमरा ऑन करके बात करने की जो आदत ज़्यादा ठीक, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट कैमरा ऑन करके। हाँ सब रख लो, पत्थर वत्थर सब रख लो, पानी रख लो एक पॉलीथिन में पैक करके, पेड़ पत्तियाँ तोड़ लो, आखिरी बार आए ना अपन। तो मैं ये कह रहा था कि बैक कैमरा ऑन करके बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मैं उसमें बताऊँगा कि मेरा जो पहला व्लॉग शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे कैसा फील हुआ, और हो सके तो हम इन गधे वाला से ही पूछ लेंगे। और बस, और एक और वीडियो आ सकती है, वो किस चीज़ पे आई थी वो मेरे को एक थोड़ा टॉपिक ध्यान में आया था अभी, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। गाइस काले पत्थर में सफेद पत्थर हो गया। गाइस चलो चलें।
यहीं से आए थे। देर मत जाना बेटा तुम, इसलिए तो दे दी मैंने। ठीक, अच्छे से आराम से, बहुत ज्यादा स्टीप है ये देखो, लोग गंदा करके चले जाते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं, हमने बिल्कुल भी गंदा कुछ नहीं किया है, सारा कचरा हम अपने साथ लेके आए हैं। अच्छे बच्चे, बच्चे तो नहीं रहे शायद पता नहीं है कि नहीं, वी आर 18 प्लस नाउ, तो बच्चे तो नहीं होंगे। और ये खड़ी है ना हायाबुसा, गांव वाले जो लोग थे वो निकले, जैसे हो सकता है वैसे एक अपना अजम्पशन था कि शायद वो चोरी कर ले। चाबी दो ये गाइस, मेरा ये स्टाइल है गाड़ी उठाने का। ओके गाइस, घर की चाबी So guys, it's time to say bye to this place. और रास्ता बहुत खराब है तो हम आगे जाके मिलते हैं। So guys, okay guys, यहाँ से ठीक ठाक रास्ता स्टार्ट हो गया और यही वो गांव है जिसके बारे में मैं आपसे बोल रहा था, ये है महुआ खेड़ा। माइक तो लगा नहीं है क्योंकि आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी क्या नहीं, और गाड़ी में ब्रेक है नहीं है तो गियर से हम कंट्रोल कर रहे हैं और धीरे धीरे जा रहे हैं। सो गाइस, जो मैं आपको सेकंड दो वीडियो का बता रहा था कि तो पहला जो सेकंड जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें ये बनाऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट वीडियो ब्लॉग शूट करते टाइम, और जो सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है ब्लॉगिंग करने से, मतलब कुछ कुछ ब्लॉगिंग के भी एडवांटेज होते हैं तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। छोटा भाई जैसे मैं घुमाने लेके आया था, इससे मैंने पूछा कि भैया तुम्हें आज कैसा लगा, तो बोल रहा आज मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है। तो मैंने उससे पूछा क्यों मज़ा नहीं आ रही है, बताइए क्यों मज़ा नहीं आया आपको, क्यों मज़ा नहीं आया बताओ ना। इरिटेट हो गया, बोल रहा भैया मैं इरिटेट हो गया, आप बार बार वीडियो बनाने का बोल रहे थे। तो भैया कोई भी चीज़ टफ नहीं है, ब्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। भाई साहब बोर हो गए, भाई साहब को बिल्कुल मज़ा नहीं आया बोल रहा है। कल हम लोग जब इसी जगह पे एक पॉइंट और है आ गए, वहाँ पे आए थे तो इसको बहुत मज़ा आया था, तो तभी ये बोल रहा था कि आज चलते हैं भैया कहीं घूम। एक दूसरी जगह जाने का प्लान था, वहाँ तो जा नहीं पाए, तो ऑब्वियसली उनको यहाँ पे मुझे तो बहुत मज़ा है, जब भी मैं बोर होता हूँ तो यहीं है सतपुड़ा नेशनल पार्क है, मतलब यहाँ स्टार्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। गाइस, मैं जैसे ही अभी आया यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ मुझे जो ऑब्जर्व हुई है वो कि सनलाइट से बेस्ट कोई लाइट नहीं है। आप कितने ही रूम के अंदर कितनी ही अच्छी लाइट लगा लो, जो क्लिप बाहर सनलाइट में आती है उतनी ब्राइट आप अंदर आ ही नहीं सकती। सो एक चीज़ मैं ये चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये तो रैंडम सी वीडियो शूट कर ली हम लोगों ने, रैंडम ब्लॉग बना लिया, मेरा कज़िन ब्रदर आया हुआ था, हम लोग छोटी स्ट्रिप पर चले गए, बस दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। और ये भी नहीं पता मुझे कि आगे मैं ब्लॉग बनाऊँगा या नहीं, ये तो एकदम से रैंडम से उसने बोला ठीक है भैया बना लो, क्योंकि मैंने उससे थोड़ी सी अनबॉक्सिंग वीडियोस के बारे में बताया था कि ये कुछ कुछ वीडियो चल गई हैं मेरी, उनमें व्यूज़ आ गए हैं और ब्लॉगिंग वगैरह में मुझे इंटरेस्ट है, उसे भी थोड़ा सा पता था ब्लॉगिंग वगैरह क्या थी, तो मैं थोड़ा कम्फर्टेबल था उसके साथ ब्लॉग करने में। सो बस थोड़ी सी हमने ये मुश्किल से 10-15 मिनट की क्लिप शूट हुई होगी। सो गाइज, अभी हम लोग वहाँ से तो नहा के आए नहीं थे तो घर में ही नहाने चले गए थे, देन फ्रेश होने के बाद बस वीडियो फेस करने का टाइम आ गया, सो मैंने सोचा वीडियो कंप्लीट कर देता हूँ। तो दिस इज़ द फाइनल टाइम, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करें जो भी पार्ट पसंद आया होगा। थैंक यू।